अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अली हसन और आप देख रहे हैं सरप्राइज टीवी। नाज़रीन, आज हम लाहौर में मौजूद हैं, आपको पाकिस्तान का सबसे मुनफरिद कब्रिस्तान दिखाएंगे। नाज़रीन, आज हम ऐसे कब्रिस्तान में मौजूद हैं जो बहुत ही प्यारा और खूबसूरत कब्रिस्तान है। नाज़रीन, आप स्क्रीन के ऊपर वीडियो चलती हुई देख रहे होंगे, ऐसा कब्रिस्तान आपने पहले कभी नहीं पूरे पाकिस्तान में देखा होगा। आज हमारे साथ हाजी साहब के बेटे मौजूद हैं, इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कब आइडिया आया इनको कब्रिस्तान बनाने का और इतना खूबसूरत कब्रिस्तान बनाने का आइडिया कैसे आया, किसने आपको मशवरा दिया या खुद से आया, सब कुछ इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान है, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत ही ज़्यादा करम है। हमें बताइएगा सर, ये कैसे आपको आइडिया है कब्रिस्तान बनाने का, कि पूरे पाकिस्तान से मुनफरिद कब्रिस्तान बनाने? जी ये मेरे वाली साहब की ख्वाहिश थी, तो उन्होंने ख्वाहिश थी कि यार मैं ऐसा कब्रिस्तान बनाऊँ को जो लोग देखें और खुश हों और लोगों को फ़ायदा भी हो इससे। अच्छा, मुझे बताएं कि क्यों उनको ख्वाहिश आई, वो कोई किसी कब्रिस्तान जाके उन्होंने हालात मामला देखे या क्या मामला थे उनके जहन में? बस उनको ख्वाहिश थी कि उन मस्जिदें भी उन्होंने बनाई हैं माशाल्लाह, इधर 3-4 मस्जिदें भी हैं, मतलब चला रहे हैं वो, और कब्रिस्तान की भी ख्वाहिश थी उनके बनाते हैं चलें। तो एक दो दफ़ा ऐसा भी हुआ कि वो कब्रिस्तान लोगों के साथ जब गए हैं देखने तदफीन के साथ, तो उन्होंने बहुत बेहरमती देखी है और उनका दिल था कि यार ऐसा बनाऊँ कि जिससे ये कब्रों की बेरहमत भी ना हो और लोगों के लिए फ़ायदा मंद हो बिल्कुल, जिसमें किसी किस्म का गरीब आदमी के लिए किसी किस्म का चार्जेस वगैरह ना हो। अच्छा सर, मुझे बताएंगा ये ऐसा कब्रें हमें सर आप देख रहे होंगे, नाजिन आप भी देख रहे होंगे, सर मुझे बताएं कि सारी कब्रें एक जैसे, एक इंच एक फीती का भी फ़र्क नहीं आ रहा, तो सर मुझे बताएं कि ये कैसे मतलब मैनेज करते हैं कि सारी कब्रें एक जैसी ही बनाई हुई हैं आप? जी ये बाकायदा तौर पर हमने अपने मतलब मिस्त्री वगैरह को समझाया हुआ है, उनको बताया हुआ है, और माशाल्लाह वो इतना अच्छा काम करते हैं, हम बहुत उनसे भी राज़ी हैं, और वो इस तरह का काम करते हैं, डिज़ाइन इस तरह का बनाया हुआ है कि एक किसी भी कब्र के ऊपर पाँव ना है किसी का, ठीक है, इसलिए ये बनाया माशाल्लाह, ये देखें चलने के लिए रास्ता और इस तरह रास्ता, ये सब नीचे कब्र है, ठीक है, ये द्वारे हैं साइडों पर, ठीक है, ये द्वारों के ऊपर हम चल रहे हैं, ये खड़े हैं इस टाइम, और ये कब्र के ऊपर पाँव नहीं आता बिल्कुल, ना वो ख़राब होती है ना वो किसी किस्म का, हालांकि ये जब बनाते हैं तब से ऐसे ही हैं, ठीक है, ना इसने ख़राब होना, वो ख़राब तभी होती है जब लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं, कब्रों के ऊपर से गुजर के फलांग के चढ़ते हैं, उसकी बेहरमती करते हैं, वो इसी तरह फिर कब्रिस्तान की मामलात ख़राब होते हैं, वो टूट गई, कोई मिट्टी उतर गई, कोई ऐसा हो गया, सीमेंट उतर गया, ये इस तरह की वजह से होते हैं ये चीज़ें। अच्छा मुझे बताएंगे, आपने बच्चों की कब्रें अलहदा बनाई हुई हैं और बड़ों की अलहदा बनाई हुई, इसकी क्या रीज़न थी कि बच्चों की अलहदा आपने बनाई हुई एक सैर के ऊपर और बड़ों की जो है हजरात की वो अलहदा बनाई? वो इसलिए किया था कि क्योंकि बच्चों की बनती है साइड पर छोटी, मतलब होती है कब्र, वो क्योंकि वो ज़्यादा कब्रें होती हैं इसलिए वो साइड पर बनाई गई है, बड़ी कब्र एक साइड पर बनाई गई है ताकि उनको उस तरतीब दी जाए छोटी कब्रों की और बड़ों को एक तरतीब दी जाए, अगर मिक्स करें तो वो फिर मैनेज नहीं होता कि बड़ी छोटी इस तरह मैनेज नहीं होता। सर मुझे बताइएगा कि ये कब्रिस्तान कितने एकड़ में मुहित है? ये इस टाइम 1 एकड़ में मुहित है इंशाल्लाह ताला, अल्लाह के फजल से हमने तकरीबन 3 से 4 एकड़ और ज़मीन इसके लिए वक्फ़ कर चुके हैं, जो कि ये मुकम्मल होगा और उसके बाद उधर कंटिन्यू शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा मुझे बताइएगा, ये कब्रिस्तान इतना मुनफरिद और सबसे माशाल्लाह खूबसूरत कब्रिस्तान है, जब लोग अपने रिश्तेदारों को तदफीन के लिए आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, दोस्त अहबाब आते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं जो पहली मरतबा कब्रिस्तान देखते हैं, जब वो देखते हैं उनका रिएक्ट क्या होता है? उनका सबसे पहले तो रिएक्ट ऐसा होता है कि अगर वो मिलें तो वो कहते हैं, दुआएं देते हैं हमें कि आपने ऐसा काम किया कि मज़ा आ गया, ठीक है, और बहुत खुश होते हैं। और ऐसे भी हैं कि लोग अपने बच्चों को नसीहत करते हैं कि कल को जब हम फोत हों तो हमें इस कब्रिस्तान में ला के आपने दफन करना है, और बाकायदा तौर पर काफ़ी कब्रें ऐसी भी हैं, तकरीबन काफ़ी कब्रें तकरीबन 8-10 ऐसे भी जनाजे हैं जो कि अपने ऐसे भी हैं जो कि अपने बच्चों को नसीहत जो की थी उसके मुताबिक उन्होंने इधर दफन किया है उनको, तकरीबन 8-10 कब्रें ऐसी भी हैं। अच्छा मुझे बताएंगे, कोई ऐसी भी आपके पास कोई मैयत पहुंची है जो बिल्कुल नामालूम हो? जी जी बिल्कुल, हमारे पास आती हैं नामालूम, जो होता है जिसका आगे पीछे कोई नहीं होता, ठीक है, उसको भी बाकायदा तौर पर वैसी कब्र मिलती है जैसी कि आम लोगों को मिलती है, ठीक है, और बाकायदा तौर पर ये हमने जो सी लावारिस है ना लाश,
या लवारिस मैयत, ठीक है, जो लवारिस मैयत है उसके लिए हमने अपना जो सा थाना इस एरिए का लगता है, सलामपुरा थाना लगता है, उसको हमने इजाज़त दी है कि आप ले के आ सकते हैं। बाकायदा तौर पर काफ़ी एरियाज़ में जो से थाने होते हैं वो भी आते हैं हमारे पास, लेकिन उनके लिए हमने शर्त नहीं रखी हुई कि यार सिर्फ हमारे जो से इलाका लगता है, इलाका वाइज जो सा थाना लगता है वहाँ वो आए और उसको दफन करेंगे। अच्छा सर, मुझे बताएं, इतना खूबसूरत कब्रिस्तान है कि इस कब्रिस्तान में दफनाने के लिए कोई फ़ीस वगैरह भी है या बिल्कुल फ़ीस भी लिल्ला है? जी बिल्कुल फ़ीस भी लिल्ला है, अगर अपनी खुशी से हमने, क्योंकि जब कोई बंदा आता है सबसे पहले आता है और अपने जो मैयत के लिए मैयत की डॉक्यूमेंट की कॉपी होती है, शिनाख्ती कार्ड की कॉपी, ठीक है, वो लेते हैं, और जो बंदा कब्र लेने के लिए आता है उसकी लेते हैं, जो फोत हुआ होता है एक उसकी, और एक जो फोत होता है उसकी, और एक जो मैयत के लिए आता है जगह लेने के लिए उसकी लेते हैं। दो बंदों की कॉपी लेते हैं और उनको उनके लिए ये बात की है कि भाई छोटी बच्चों की कौन सी कब्र होती है उसका 3,000 रुपया और बड़ी कब्र का 6,000 रुपया, वो इस तरह लेते हैं कि अगर वो खुशी से अफोर्ड कर सकता है तो फिर लेते हैं, वरना उसको कहते हैं ठीक है भाई आप अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो कोई बात नहीं, ना कोई इसमें फिक्स वाला चक्कर है, ना कोई सिफारिश की ज़रूरत भी नहीं है कि बंदा कहेगा जी मैं सिफारिश करवाता हूँ, मेरी सिफारिश के साथ ऐसा आपका काम हो जाएगा, नहीं, आप आएँ, आप अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो भाई हम हाजिर हैं, ठीक है, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करके देंगे। अच्छा सर, मुझे बताएं गएगा कि पूरे पाकिस्तान में कब्रिस्तानों के हालात इंतहाई बुरे हालात होते हैं, एक कब्र से ऊपर दूसरी कब्र चढ़ी होती है, टूटी होती है, पानी भरा होता है, तो उनको क्या पैगाम देंगे कब्रिस्तान वालों को, सिर्फ हुकूमत के ऊपर ही हमें छोड़ देना चाहिए या खुद इंफरादी कोशिश भी करनी चाहिए जैसे आपके वालिद साहब माशाल्लाह कह रहे हैं? जी अल्लाह ताला ने जिसको रिजक दिया, जिसको इतनी मालियत दी है, वो करे अपने इलाके के कब्रिस्तान को संवारने की कोशिश करे। जब बंदा नीयत करता है इस चीज़ की तो अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करता है, ठीक है, जब बंदा ख्वाहिश करता है कि यार मैं ऐसा काम करूँ तो अल्लाह ताला भी उस बंदे की मदद करते हैं करने की ख्वाहिश के, यार मैं अपने अपने इलाका के कब्रिस्तान को सवारे, अपने मतलब के मस्जिद को सवारे, अपने इलाका की मस्जिद को सवारे। शुक्रिया सर। ये तो नाज़रीन, आज हमने आपको पाकिस्तान के ऐसे खूबसूरत कब्रिस्तान में आपको दिखाया जो आपने पहले कभी कब्रिस्तान ही देखा। भाई ने बताया कि उनके वालिद साहब फीस बिल्ला काम करे, जिसके पास कफन दफन के लिए भी पैसा नहीं है वो भी इधर आके उनकी भी हेल्प की जाती है, उनको कफन दफन दिया जाता है, और जिनके पास पैसे नहीं मौजूद होते कब्रिस्तान में दफनाने के लिए उनको फी कॉस्ट दफनाया जाता है। बाहर आपको पता डिमांड्स होती हैं, लाखों में डिमांड्स होती हैं, हज़ारों में डिमांड्स होती हैं, और कई तरह की डिमांड होती है, लेकिन हाजी हमारे हाजी साहब जैसे पूरे ऐसे नेक बंदे पूरे मुल्क के पास पाकिस्तान क्या बल्कि पूरी दुनिया में बहुत कम पाए जाते हैं। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, हम आपको अगली नई वीडियो में मिलेंगे।